गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा लिनक्स में है वो लिनक्स फाइल कमांड्स। आज से अपन देखेंगे लिनक्स फाइल कमांड्स। आचल आचल त्रिपाठी वॉइस आ रही बेटा, वॉइस आ रही है आचल, वॉइस आ रही है किसी, वॉइस आ रही है आचल त्रिपाठी, विष्णु? यस सर, आ रही है वॉइस, आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए तो आज लिनक्स में अपन देखेंगे लिनक्स फाइल कमांड्स। तो चलते हैं, सबसे पहले लिनक्स को ओपन करते हैं, शेयर स्क्रीन, और यहां से अपन ने लिनक्स को लिया, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करते हैं, शॉर्टकट ऑल्ट कंट्रोल टी, टर्मिनल। तो आज सबसे पहले अपन क्या करें, लिनक्स में जो हमारे पास पहला कमांड है लिनक्स में वो है कैट कमांड। तो हमने आपको बताया था कि लिनक्स में अगर कोई नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैट कमांड का यूज करते हैं। कैट कमांड लिनक्स में तीन काम करता है। एक काम क्या करता है, एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, दो फाइलों को आपस में अगर अटेंड करना है, अपेंड करना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। अगर कंटेंट्स डिस्प्ले करना है तो उसके लिए भी अपन किस कमांड का यूज करते हैं, कैट कमांड का यूज करते हैं। कैट कमांड में अगर फाइल को सेव करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंट्रोल डी का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कैट कमांड कैसे अपन काम करते हैं, फिर और इसके आगे कमांड्स देखेंगे। क्लियर? तो लिनक्स को ओपन, लिनक्स ओपन, यहां से अपन ने टर्मिनल को ओपन किया। किसको ओपन किया, टर्मिनल को। टर्मिनल यहां से स्क्रीन को अपन क्लियर करते हैं। अब यहां पे पहला कमांड कैट कमांड, कैट कैट फाइल नेम, फाइल नेम जिसे दीदी हमने मान लो 3BCA, क्या नाम दिया 3BCA, यहां पे टाइप कर दिया सब्जेक्ट लिनक्स एंड सेल प्रोग्राम, ठीक है, ये डाल दिया। टीचर नेम जिसे हम डाल दिया टीचर, इस फाइल को सेव करना है तो कंटेंट सेव करने के लिए अपन यूज करते हैं कंट्रोल। फाइल हमारी सेव हो गई, ls करके अगर ls-l करके देखेंगे तो देखिए 3BCA नाम से फाइल हमारी बन गई। अगर इसके कंटेंट शो करना है तो cat 3BCA, ये देखिए इसके कंटेंट शो कर दिया। तो किसी भी अगर फाइल में अगर हमें नई फाइल बनानी है तो न्यू फाइल बनाने के लिए अपन किस कमांड का यूज करेंगे, cat कमांड यूज करेंगे। समझ में आया बेटा, कैट कमांड? यस सर। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड हमारे पास एक बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका हम दोनों काम आपको बताएंगे। एक कमांड यूज होता है टच कमांड। टच कमांड का काम क्या करता है कि टच कमांड इज यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल। एक एम्प्टी फाइल बना देगा, उसमें डेटा आप कुछ भी नहीं डालेंगे, एक नई फाइल आप क्रिएट करने की। और दूसरा काम हमारा पास क्या करता है ये टच कमांड कि किसी भी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि टच कमांड से हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। तो अपन यहाँ पे क्या लिनक्स को ओपन किया अपन ने, तो यहाँ पे देखिए अपन एक नई फाइल बनाते हैं। तो टच टच और फाइल का नाम दीजिए D1, डी, ये देखिए ls करके देखिए, इसमें हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, एक एम्प्टी फाइल बना देगा। क्या बना देगा, एक एम्प्टी फाइल। क्लियर? देखिए डी नाम से एक एम्प्टी फाइल बना दिया जिसमें कोई भी डेटा हमारे पास नहीं। क्लियर? एक दूसरा काम हमारे पास क्या करता है, जैसे हमारे पास ये फाइल में बनी है, अब इसकी देखिए डेट कितनी आ रही है, 17 अगस्त 2021 आ रहा है। अगर इसका एक्सेस टाइम चेंज करना है तो वही हम चेंज कर सकते हैं। हम डेट, अब यहां पर हमने दे दिया टच
क्या दे दिया हमने, डी वन। अब एल एस करके देखिए तो इसका देखिए चेंज कर दिया होगा, एक मिनट सुपर यूजर में शुरू, एल एस हाइफन, ठीक है डेट, ये देखिए डी वन की डेट, डी वन को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। क्लियर, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं अटेंडेंस ले लूं मैं एक बार, आचल, आशुतोष, विष्णु, वर्षा तिवारी ज्वाइन हो रही है, ठीक है। चलिए तो टच कमांड से अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं टच कमांड से, किसी भी फाइल एम्प्टी फाइल को क्रिएट करते हैं और एक्सेस टाइम चेंज करते हैं। क्लियर, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट कमांड अपने पास है, इतना समझ में आया बेटा, आचल बोलते जाया करो आप लोग, समझ में आया टच कमांड का काम। ये भी टच कमांड किस लिए होता है, न्यू फाइल बनाने के लिए, पर कैसी फाइल बनाएगा, एम्प्टी फाइल, उसमें हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड से, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा अगर फाइल बनानी तो फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, पर ये कैसी फाइल बनाएगा, एम्प्टी फाइल बनाएगा। देखिए अगर मल्टीपल फाइल बनानी तो कैसे काम करेंगे अपन, टच हमने जैसे दे दिया फाइल डी 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 डी, एक दे दिया आर आर आर, एक दे दिया टी टी टी, देखिए इतनी फाइल आपकी बना देगा ये, एल एस करके देखिए, मल्टीपल फाइल्स बनाने के लिए यूज होता है डी डी आर आर टी टी। तो अगर हमें मल्टीपल फाइल्स भी बनानी है एम्प्टी तो उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं हम, टच कमांड्स का। आशुतोष मिश्रा, विष्णु, वर्षा, समझ में आया टच कमांड क्यों यूज करते हैं, आचल? यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास है आरएम कमांड, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है आरएम कमांड। आरएम कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल, फाइल आर एम डी आई आर, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, अगर आर एम डी आई लिखा तो मतलब किसको डिलीट करेगा, ये डायरेक्टिव डिलीट करेगा, अगर आर एम कमांड हमने यूज किया इसका मतलब ये किसको डिलीट करेगा, किसी फाइल को अगर रिमूव करना है तो फाइल को रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आर एम डी आई आर कमांड यूज, आर एम कमांड यूज करते हैं, आर एम डी आई आर लग जाएगा तो इसका मतलब हम किसको यूज करते हैं, फाइल। अब देखिए हमने जैसे फाइल डिलीट करना आर एम, हमें फाइल डिलीट करना है मान लो डी टू, कौन सा फाइल डिलीट करना है, डी टू, एल एस करके देखिए डिलीट कर दिए, क्लियर। हमें एक साथ कई फाइल डिलीट करना है तो आर एम डी वन डी डी, एल एस करके देखिए एक फाइल और मल्टीपल फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा ये, अगर किसी फाइल को अगर डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, आरएम का, ठीक है। तो सिंगल फाइल भी डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल स्पेस देके अपनी फाइलों का हमें यहाँ पे नाम दे दिया। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सीपी कमांड, सीपी फॉर कॉपी, सीपी फॉर कॉपी, दिस कमांड यूज टू कॉपी फाइल और डायरेक्टरी, किसी फाइल की अगर हमें कॉपी बनानी है या डायरेक्टरी की कॉपी बनानी है तो उसके लिए कमांड कौन सा यूज करते हैं हम, सीपी कमांड। सीपी कमांड का एग्जिस्टिंग क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, अब यानी पुरानी फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, देखिए हम किसी कमांड फाइल की क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कॉपी। तो देखिए इसका कैसे यूज करते हैं, कमांड डेमो देखते हैं अपन इसका, अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज अपने पास ये 3BCA नाम की फाइल, अब इस नाम से जैसे हमें फाइल बनानी है, क्लियर कर देते हैं, एल एस करके देखा अपन ने यहाँ पे, जैसे 3BCA की फाइल बनी है, मैं इसकी कॉपी बनानी है, सीपी 3BCA ओल्ड फाइल नेम है, न्यू फाइल नेम हमने दे दिया इसका एल फाइल, लाइनक्स फाइल, अब एल एस करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन गई होगी, किस नाम से, एल फाइल नाम से,
अगर हम दोनों में कंटेंट्स देखेंगे, जैसे कैट किया 3BCA, तो देखिए वही कंटेंट्स हैं, और हमने यहां से किया कैट, अगर हमने यहां से किया कि कैट, और कैट करने के बाद हमने इसे यहां पे कर दिया L5, तो देखिए इसमें भी वही कंटेंट्स। अगर हमें जैसे डायरेक्टली कॉपी करने से हमने यहां दिया MKDIR, और डायरेक्टली नेम जैसे हमने दिया राम, एलएस करके देखिए राम नाम से हमारी डायरेक्टरी बन गई होगी। अब राम नाम की डायरेक्टरी हमें कॉपी करना सीपी राम, राम की जगह हमने कर दिया राम पर, ठीक है। ये बोला नॉट स्पेसिफाइड ऑप्टेड डायरेक्टरी राम, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा अपन को भी देखते हैं, sudo -s, cp ram ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम शूज आ रहे हैं, तो अपन फाइल की कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, सीपी कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीपी कमांड का यूज करते हैं, क्लियर। फाइल की अगर कॉपी क्रिएट करना है तो अपन किस कमांड का यूज करते हैं, सीपी कमांड। समझ में आया बेटा? जी सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हेड कमांड। कौन सा कमांड? हेड कमांड। हेड कमांड क्या करता है कि कोई फाइल अगर हमारे पास बड़ी है तो उस कमांड से क्या करता है, हेड कमांड यूज टू कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इट डिस्प्ले फर्स्ट 10 lines, यानी टॉप से कितनी लाइंस डिस्प्ले करने के लिए, 10 lines डिस्प्ले करने के लिए, कितनी लाइन, 10 lines। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक कोई फाइल अपन बना लेते हैं बड़ी, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा अपने पास है, तो लिनक्स को ओपन करते हैं अपन, अब जैसे अपने पास सपोज एक कोई फाइल बना लेते हैं, ऐसे मान लो अपन ने कर दिया ls जैसे अपने पास एक फाइल बनी है g1, जैसे कैट करके अगर देखें अपन कैट g1, ये अपने पास एक फाइल बनी है। अब अपन इससे चाहते हैं कि इससे टॉप 10 lines निकल गए, कितनी लाइन निकल गए, 10 lines, तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे, हेड g1, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप से डिस्प्ले कर दिए। अगर यहाँ पे अपन चाहें तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, प्लस 4, कितना कर सकते हैं 4, तो टॉप से कितनी लाइन अपन को देगा, 1 2 3 4 3, माइनस 4। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी लाइन दे रहा है आपका, टॉप से 4। अगर अपन को चाहिए नीचे से, जैसे अपन चाहते हैं नीचे से 1 2 3 प्लस 3, नीचे से 3 चाहिए, तो अपन ऐसे दे सकते हैं, प्लस इसके लिए अपने पास एक कमांड और होता है टेल कमांड, ये देखिए 10 तो देगा ही पर नीचे से देगा, कहां से देगा, 3। तो ये जब टॉप से अगर आपको निकालना है तो उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं अपन, हेड कमांड, क्लियर। समझ में आया बेटा, हेड कमांड किस लिए यूज करते हैं, टॉप से नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको निकालनी है किसी फाइल से तो उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं अपन, हेड कमांड यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हेड कमांड। नेक्स्ट हमारे पास टेल कमांड, कौन सा कमांड, टेल, टेल कमांड टू सिमिलर टू हेड कमांड, पर किसकी तरह है, सिमिलर टू हेड, टेल कमांड डिफरेंस बिटवीन द बोथ कमांड लास्ट 10 lines, ये किसनी, हेड कमांड कहां से देता है, टॉप से देता है, फर्स्ट से देता है, और ये कहां से देता है, लास्ट से, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, टेल कमांड्स, कितना, टेल कमांड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लिनक्स को ओपन करते हैं, स्क्रीन दिख रही बेटा, अब जैसे अपने पास क्लियर करते हैं, क्लियर, अब जैसे अपन यहां पे किया कैट g1, अपने पास मान लो फाइल है,
अब अपन टॉप बॉटम से निकालना चाहते हैं टेल लाइन, कितनी लाइन टेल लाइन, तो अपन यहाँ पे क्या टेल और फाइल का नाम कहते हैं जीरो, नीचे से दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 10, अगर अपने यहां पे कर दिया जैसे सिर्फ बॉटम से कितनी लाइन दे रहा है 3 लाइन, तो नीचे से अगर निकालना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं टेल, और टॉप से अगर निकालते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हेड का कमांड। क्लियर स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं, समझ में आया? यस सर। विष्णु, वर्षा, आशुतोष, अगर बॉटम से निकालना है तो किसका यूज करेंगे टेल कमांड्स का, और टॉप से निकालना है तो किसका यूज करेंगे अपन हेड कमांड का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मोर कमांड, बहुत यूजफुल कमांड है। देखिए मोर कमांड का काम क्या करते हैं, जब फाइल के कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फाइल के कंटेंट्स को अगर हमें पेज बाय पेज डिस्प्ले करना है और टॉप बॉटम अप टॉप स्क्रॉल करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, मोर कमांड का यूज करते हैं। एंटर की स्क्रॉल डाउन पेज बाय पेज, अगर एंटर की प्रेस करोगे तो कैसे करेगा पेज बाय पेज, अगर आप स्पेस बार दबाओगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, अगर बी स्पेस बार दबाओगे तो प्रीवियस पेज पे जाएगा, और स्लैश प्रेस कर दोगे तो हम किसी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं इसमें सर्च भी कर सकते हैं। तो पेज बाय पेज डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज करते हैं अपन मोर कमांड। ये इसके साथ ऑप्शन यूज, एंटर मतलब न्यू पेज के लिए नए आगे पेज पे जाएगा, फॉरवर्ड सॉरी डाउन पेज लाइन, अगर आपने यहाँ स्पेस बार दबा नेक्स्ट पेज, बी की दाबी तो आप प्रीवियस पेज पे, और की अगर स्लैश दबा के आप किसी भी वर्ड को क्या कर सकते हैं सर्च भी करा सकते हैं। देखिए इसको यूज कैसे करते हैं अपन, जैसे लाइनक्स को ओपन किया यहां से, यहां पे जैसे हमने दिया कैट जी वन, ये देखिए फाइल बहुत बड़ी, इसको पेज बाय पेज देखना अपन, तो मोर जी वन। क्लियर। अब इसके स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो इसका यूज अपन को ये तो पेज, क्योंकि हमारे पास लाइन इतनी बड़ी कोई फाइल नहीं है, फाइल अगर हमारे पास बड़ी होती है एक पेज से ज्यादा तो मोर कमांड अपन को क्या करता है इसका यूज करके अपन को देता है। ठीक है, पेज बाय पेज कोई फाइल एक बड़ी बना लीजिएगा जिसमें डेटा खूब टाइप कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे अपन एक फाइल बना लेते हैं, सपोज टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं और एक कोई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, ये अपन एक फाइल बना ली, इसको सेव कर लेते हैं डेमो नाम से, इस नाम से सेव कर लेते हैं डेमो, एक फाइल को सेव कर लिया, इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे अपन देते हैं ls-l, ये देखिए डेमो नाम से फाइल बन गई। अब डेमो नाम की फाइल को अपन यहाँ करते हैं मोर, ये देखिए अब अपन नई लाइन पे जाना तो कैसे करेंगे, देखिए स्पेस बैक जाना है, नेक्स्ट जाना है, ठीक है, पीछे फिर आपने लगाया मोर। अब इसे अपन ने यहाँ पे कोई वर्ड सर्च करना है, क्या करना है वर्ड कोई सर्च करना, तो हमने क्या बताया स्लैश, हमें सर्च करना है इसमें एसएस, क्लियर, नो मैटर मच, फिर अपन ने इसे सर्च करना है डीएस, क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर जैसे इसमें अपन को क्या करना है स्पेस बार दाबना है तो देखिए नेक्स्ट चले जाए, अगर हमें पीछे जाना है तो अपन ने कौन सी की बताया आप दाबेंगे यहाँ पे बैक स्पेस, क्या दाबेंगे बी की, हम पीछे जा रहे हैं, फिर अगर आगे जाना है, क्लियर। तो ऐसे काम को फॉरवर्ड और दोनों डायरेक्शन में अगर आपको मूव करना है
तो उसके लिए किसकी का यूज, किसका यूज करते हैं अपन, मोर कमांड का। क्लियर, समझ में आया मोर कमांड क्यों यूज करते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, वर्षा, आंचल, आस्तोस, जी सर, ठीक है ना, मोर कमांड। चलिए नेक्स्ट, एक कमांड और आपको बताते हैं, इसमें है नहीं, हमारे पास एक कमांड होता है यूज, लेस कमांड बाद में बताऊंगा, एक कमांड हमारे पास यूज होता है डब्ल्यू सी कमांड। कौन सा कमांड? डब्ल्यू सी कमांड। डब्ल्यू सी कमांड का काम क्या करता है, जैसे हमने कोई फाइल बनाई, सपोज ls-l करके देखते हैं, जैसे हमने 3vca फाइल बनाई, तो इस फाइल में नंबर ऑफ लाइन कितनी, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने, उनको अगर काउंट करना है तो अपन यूज करते हैं wc कमांड। तो हमने जैसे दिया 3vca, क्या दिया 3vca, तो देखिए इस फाइल में कितनी लाइन है, दो लाइन है, आठ वर्ड है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? नो सर। एक बार फिर बताते हैं, जो अपने पास wc कमांड है, एक wc, इसको बोलते हैं वर्ड काउंट कमांड। क्या उस कमांड बोलते हैं? वर्ड काउंट कमांड। वर्ड काउंट, तो जैसे हमारे पास ये सपोज एक फाइल बनी है और इस फाइल में मैं काउंट करना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्ड कितने और नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने, तो उसके लिए हम यूज काउंट करने के लिए यूज कमांड करते हैं wc काउंट। तो हमने जैसे 3vca, क्लियर, तो ये क्या बता रहा है, इस फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कितनी, दो, वर्ड कितने, आठ, और नंबर ऑफ करेक्टर कितने, 67। ये अगर इसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक को काउंट करना है, जैसे आपको लाइन को काउंट करना है, तो आप -l का यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ लाइन बताएगा। अगर आपको करेक्टर काउंट करना है तो नंबर ऑफ -c का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ वर्ड काउंट करना है तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, w का यूज करेंगे। अगर कोई ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों काउंट कर देगा। तो जैसे नंबर ऑफ लाइन काउंट करना, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना, नंबर ऑफ करेक्टर काउंट करना, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, wc कमांड का यूज करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों के आज जो बताया वो समझ में आया? जी सर। हाँ आज, चलिए अब किसी को कोई क्वेश्चन हो, जो पुराने कमांड्स पढ़ाए हो, अभी जो कमांड पढ़ाए हो, आप एक एक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं इसको। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम है, वो आ जाए कॉलेज में, उनकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, प्रैक्टिकल करते रहिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बताएं कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट्स का, कोई कमांड्स ना चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आचल, आस्तोस, वर्षा, विष्णु। हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, तो हम चलाते ही नहीं है। तो मोबाइल पे चलाओ ना, मोबाइल पे भेजा है ना मैंने ऐप। सर मोबाइल पे कौन सा ऐप? मैंने बोला तुम ग्रुप नहीं जुड़े क्या, करमैक्स मैंने एक भेजा है मोबाइल पे ऐप, उसके चलाइए, उस पे ls कमांड है। सर आप एक बार ट्रायल वीडियो भेज दीजिए मोबाइल से। ठीक है मैं भेज दूंगा, ठीक है, चलिए और बताएं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी हैं, और आप जितने भी साथी उनसे बोलिए ऑनलाइन क्लास लीजिए, अटेंडेंस होती बाद में मत कहिएगा, अटेंडेंस शॉर्ट होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू।